पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के बीच आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी सपा और बसपा के संभावित गठबंधन की काट खोजने के लिए योगी सरकार नए जातीय समीकरण खोज रही है। माना जा रहा है कि अगर इन राज्यों के चुनावी नतीजों में अपेक्षित फल नहीं मिलता है तो पार्टी का पूरा फोकस अगले लोकसभा चुनावों पर शिफ्ट हो जाएगा। लोकसभा चुनावों में पिछली बार 2014 में यूपी से एनडीए को 80 में से 73 सीटें मिली थीं, जिसके बाद इस बार पार्टी यूपी में विपक्ष को और भी बड़ा झटका पहुंचाने की कोशिश में लगी है। जानकारों के मुताबिक भाजपा आगामी चुनाव में प्रदेश के सभी वर्ग को साधने के लिए आरक्षण व्यवस्था के बंटवारे के बारे में सोच रही है। सूत्रों के अनुसार इसके लिए आरक्षण कोटे को जाति के आधार पर सब कैटेगरी में बांटने पर विचार जारी है। इसके लिए उत्तर प्रदेश पिछड़ा सामाजिक न्याय समिति ने अपनी रिपोर्ट में ओबीसी के 27% आरक्षण को 7-11-9 के फार्मूले पर बांटने की सिफारिश की है। इसको लेकर समिति ने तीन वर्ग पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा बनाने का प्रस्ताव दिया है, जिसको क्रमशः 7-11 और 9% आरक्षण देने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट ने पिछड़ा वर्ग में 12 जातियां, 59 जातियों को अति पिछड़ा और 79 जातियों को सर्वाधिक पिछड़ों की श्रेणी में रखा गया है। क्या है 7-7-8 फार्मूला? समिति ने अपनी रिपोर्ट में SC/ST वर्ग के कुल 22% आरक्षण को भी 3 सब कैटेगरी में बांटने की सिफारिश की है, जिसके अनुसार दलित को 7, अति दलित को 7% और महादलित को 8% आरक्षण देने की बात कही गई है। दलित, अति दलित और महादलित वर्ग में भी क्रमशः 4, 32 और 46 जातियों को रखने की सिफारिश की गई है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सामाजिक न्याय समिति का गठन 10 जून 2018 को योगी सरकार की ओर से किया गया था, जिसके रिटायर्ड जस्टिस राघवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले ही कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को दी थी, जिसे परीक्षण के लिए समाज कल्याण विभाग के पास भेजा गया है। न्यूज टाइम्स के लिए गौरव शुक्ला की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।